हाय फ्रेंड्स, मैं मनप्रीत सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रॉपर्टी नॉनस्टॉप पे। और आज आपको हम दिखाने वाले हैं सेक्टर 79 M3M गोल्फ हिल्स। M3M गोल्फ हिल्स आपने सुना होगा, काफ़ी लाइमलाइट में है ये प्रोजेक्ट जो है आज की डेट में। ये जो प्रोजेक्ट है ये बेंचमार्क भी सेट कर चुका है अपने आप में से। इसने इस प्रोजेक्ट के अंदर 10 दिन के अंदर 1500 अपार्टमेंट्स जो हैं वो सेल कर चुके हैं कंपनी। तो इस ये जो प्रोजेक्ट है अपने आप में बेंचमार्क सेट कर चुका है। इतनी बड़ी सेल आज तक किसी प्रोजेक्ट की नहीं हुई है पूरे गुड़गांव के अंदर। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं लोकेशन की, तो लोकेशन जो है हम आपको समझा देते हैं। ये सामने आप देखेंगे अरावली हिल्स है। ये अरावली व्यू आता है इस जो लोकेशन पर आपको। और हम इस तरफ अगर जाएंगे यहाँ से 3 किलोमीटर पे M3M 77 सेक्टर में गैलरी बनी हुई है M3M की। और वहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर जो है वो SPR रोड है। तो टोटल हम अगर बात करेंगे तो 5 किलोमीटर जो है यहाँ से SPR रोड पे आप पहुँच जाते हैं। यहाँ से एक अच्छी कनेक्टिविटी है इस यहाँ से SPR रोड की। इस रोड का जो इंट्रोडक्शन है वो है न्यू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। सो ये 60 मीटर का रोड है। 60 मीटर के रोड के ऊपर ये अपना प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का जो फ्रंट है वो लगभग एक 400-500 मीटर का फ्रंट है इस 60 मीटर के रोड पे, जो कि काफ़ी अच्छा फ्रंट है। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप शायद आपने सुना हो या देखा हो, M3M का गोल्फ एस्टेट 1 है सेक्टर 65 में। वो भी 55-60 एकड़ की टाउनशिप है जिसके अंदर 840 अपार्टमेंट्स हैं। वो लो डेंसिटी प्रोजेक्ट था और हाई राइज प्रोजेक्ट था। उसके अंदर फेज़ वाइज उन्होंने लॉन्चेस किए थे, लेकिन कंपनी ने इसके अंदर जो है, इसके अंदर भी फेजेस हैं, लेकिन जो उनका गोल्फ कोर्स है वो सिंगल चंक में बना हुआ है। गोल्फ कोर्स सेंट्री की टाउनशिप रहने वाली है। और इसके अंदर जो है टोटल अपना जो है 27 टावर्स इसमें कंपनी ने लेके आने वाली है इसके अंदर। अभी हम बात करेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट 15 टावर जो है वो कंपनी सोल्ड आउट कर चुकी है। इसके अंदर 15 टावर सोल्ड आउट हो चुके हैं। जो इसका लॉन्च था, एक्सपेक्टेड जो लॉन्च था इसका 11,000 से 12,000 रुपये का एक्सपेक्टेड लॉन्च था, लेकिन कंपनी ने प्री लॉन्चिंग के अंदर नवरात्रास के अंदर कंपनी ने 9,000 रुपये का रेट इसका लॉन्च किया था, जो कि 4 दिन में हमारा 11 टावर जो थे सोल्ड आउट हो चुके थे। उसके बाद कंपनी ने फिर अपना 3 टावर और लॉन्च किए 10,000 के रेट पर, वो भी सोल्ड आउट हो चुके हैं। आज की डेट में कंपनी ने 2 टावर और लॉन्च किए हुए हैं। 20 नंबर और 22 नंबर टावर जो है कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है वो उसके अंदर हम आज के डेट में बुकिंग कंपनी कर रही है। उसका जो रेट है वो 11,000 रुपये का है, कंपनी ने रेट रखा हुआ है उसका। प्लस जो आपका PLC और जो अदर चार्जेस है वो अलग रहने वाले हैं इसके अंदर। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा अपना एक मतलब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर आप एंड यूज़ के लिए भी देखना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। काफ़ी अच्छा सेक्टर है सेक्टर 79। काफ़ी अच्छे बिल्डर्स इसमें अपना ऑलरेडी अपना ज़मीन खरीद चुके हैं। गोदरेज के यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स हैं। मैप्सको का यहाँ पे प्रोजेक्ट है सामने, आप दिखा सकते हैं मैप्सको का माउंट विले। और बीच में 24 मीटर का रोड रहेगा, उसके साथ में अपना हमारा ये M3M का गोल्फ हिल्स का जो प्रोजेक्ट है ये रहने वाला है। और जो ये हमारा प्रोजेक्ट है ये एल टाइप कॉर्नर का प्रोजेक्ट है। 24 मीटर का रोड और 60 मीटर का रोड, 2 रोड लगते हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। और इसके अंदर 3 जो है एंट्री एग्जिट्स कंपनी रखने वाली है इसके अंदर। और कंपनी इसका मॉडल भी रेडी कर चुकी है, जो कि हमारा गैलरी में है मॉडल। हम आपको अभी वीडियो के एंड में आपको मॉडल भी एक्सप्लेन करके सारा समझा देंगे कि क्या इनका मॉडल, कंपनी क्या बनाने वाली है आने वाले टाइम पे। और अगर आपको देखना हो कि कंपनी का क्या लेवल रहने वाला है, क्या कंपनी बनाएगी, तो आप प्लीज़ एक बार विज़िट कीजिए गोल्फ एस्टेट 1। विज़िट के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा जो नंबर दिया गया नंबर है आप उस पर हमें कॉल कीजिए हमसे। अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी किया है और आपका तब भी कोई इंक्वायरी होगी तो वो भी आप हमें बात कर सकते हैं, आप हमें पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो इस प्रोजेक्ट का जो एरिया है वो है 53.08 एकड़स। 27 टावर्स इसमें रहने वाले हैं और पूरा गोल्फ सेंट्रिक है। एल टाइप का इन्होंने गोल्फ कोर्स यहाँ पे बनाया है। जैसे आपका गोल्फ, आप जब विजिट करेंगे गोल्फ एस्टेट 1 में आप वहाँ देख सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी इन्होंने दो फेज़ में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, फेयरवे ईस्ट और फेयरवे वेस्ट। सो और कंपनी इसके अंदर जो कंपनी लेके आई है वो 1.25 लाख स्क्वायर फीट का क्लब इसमें आने वाला है, जो कि एक काफ़ी बड़ा साइज़, काफ़ी एक बड़ा एरिया कंपनी ने अपना अमेनिटीज़ के नाम पे कंपनी ने दिया है इसके अंदर।
और भी अपना स्क्वैश कोर्ट, अपना बास्केटबॉल कोर्ट और अपना आपका मतलब एम्फी थिएटर, और बहुत अच्छा एक मैं आपको मॉडल में दिखाऊंगा, उसके अंदर बहुत अच्छा एक वाटर की थीम इन्होंने बना रखी है। तो मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट यह होने वाला है आने वाले टाइम का। अगर आपको आज इन्वेस्टमेंट करनी है या एंड यूज़ के लिए भी लेना है तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ये। पेमेंट प्लान बहुत बढ़िया कंपनी ने निकाले हुए हैं, इसके अंदर 1090 का पेमेंट प्लान है सबवेंशन, और इसके अंदर पहले था 30-40-30, अब कंपनी ने करके 30-20-20-30 कर दिया है इसके अंदर। सो फ्रेंड्स, आपको इसमें 10% बुकिंग अमाउंट देना है और उसके बाद विद इन 30 डेज आपको 30% पेमेंट कंप्लीट करनी है। उसके बाद 20% जो है वो आपको देना है एक साल में, और उसके बाद जो 20% आएगा वो देना है सुपर स्ट्रक्चर पे, और 30% जो रिमेनिंग का अमाउंट है वो आपको पोजेशन पे देना है। तो पेमेंट टर्म भी जो है बहुत इजी पेमेंट टर्म्स है, मतलब आपको कंपनी काफ़ी मतलब टाइम मिलता है आपको पेमेंट करने का, ठीक है। अभी कंपनी सिर्फ आपसे 30% का अमाउंट ले रही है, और अगर आप सबवेंशन में जाएंगे तो सबवेंशन में सिर्फ 10% आपने देना है, बाकी 90% आपका जो है वो सबवेंशन स्कीम में जाएगा आपका। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ही मतलब लेविश लिविंग के लिए, मतलब मैं कहना चाहूँगा कि लेविश लिविंग अगर आपका एक गोल है, टारगेट है अपनी लाइफ का, तो आप यहाँ पे ज़रूर घर लीजिए अपना। जो साइजेज हैं इसके अंदर 2, 2.5, 3 BHK, 3.5, 4.5, 4 प्लस सर्वेंट, यहाँ पर ये साइजेज कंपनी ने निकाले हुए हैं, ठीक है। 1500 से लेके 2500-2600 स्क्वायर फीट तक के जो है हमारे पास अपने वेरियंट्स हैं इसके अंदर। तो आपकी कोई भी इंक्वायरी होती है, कोई भी आपको आपने बुकिंग के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है आपकी आप हमें बात कर सकते हैं हमसे। और मैं आपको अभी जो कंपनी ने मॉडल बनाया हुआ है मैं आपको मॉडल के अंदर पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे क्या टावर प्लेसमेंट कैसे रहने वाली है और कंपनी ने क्या अपना इसका लेआउट रखा है, आपको सारा अभी आइडिया हो जाएगा। तो आप अपने बने रहिए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, ये लेआउट रहने वाला है हमारा सेक्टर 79 जो प्रोजेक्ट है M3M का गोल्फ हिल्स। और ये देखिए, ये फ्रंट पे 60 मीटर का रोड है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है SPR से, जो कि हमारा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है। और इस रोड को भी हम जो है आज की डेट में जानते हैं न्यू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के नाम से। और ये साथ में देखिए 24 मीटर का रोड है जो कि सेक्टर 79 सेक्टर में अंदर जा रहा है, सेक्टर रोड है ये। और फ्रंट में ये 4 टावर्स हैं जो कि अपना मेन एंट्री पे हैं, और नीचे ये कमर्शियल है जो कि फ्यूचर डेवलपमेंट है इसका। और ये हम ये आप देखेंगे जो ये 7 टावर्स दिख रहे हैं, ये शुरू के ये 3 टावर्स हैं और पीछे आगे 4 टावर्स हैं। ये फेज़ 1 के ये टावर फेज़ 1 के अंदर आते हैं। और उसके बाद ये देखिए, ये 2 टावर्स जो हैं ये भी फेज़ 1 में हैं, और इसको मिलता है ये पूरा एक लॉन्ग व्यू। और ये सामने कंपनी का क्लब है 1.25 लाख स्क्वायर फीट का। और ये जो आप ये देखेंगे जो आउटर व्यू है, ये 8-9 टावर का ये अरावली का व्यू आएगा इनमें। और ये जो टावर्स हैं, ये 3 टावर आप देख रहे हैं, और नीचे स्क्वैश कोर्ट है ये, और इसके साथ प्राइमरी स्कूल है। और ये जो 3 टावर्स आप देख रहे हो ये फेज़ 2 की डेवलपमेंट है, और फेज़ 2 ये भी लॉन्च हो, ये भी टावर्स लॉन्च हो गए, सोल्ड आउट हो चुके हैं। और ये वाला जो टावर आप देख रहे हैं ये एक सिग्नेचर टावर है, इसमें सारे यूनिट्स जो हैं वो 4 BHK यूनिट्स हैं सारे। और ये देखिए, कंपनी ने ब्यूटिफिकेशन के लिए कितना अच्छा वाटर बॉडी बनाया है यहाँ पे। और अब हम चलते हैं अपना यहाँ पे, यहाँ से देखिए ये पूरा गोल्फ का आपको व्यू मिलने वाला है, यहाँ से पूरा लॉन्ग व्यू गोल्फ, पूरा लॉन्ग व्यू आएगा यहाँ से। और ये फेयरवे ईस्ट है, और जो क्लब वाला जो एरिया है वो फेयरवे वेस्ट है, जो फेज़ 1 की डेवलपमेंट के पास था जो वो फेयरवे ईस्ट था। और ये देखिए, ये हम अपना फ्रंट में आ जाते हैं, ये जो टावर्स हैं अभी ये लॉन्च होने वाले हैं। और ये देखिए, ये किड्स प्ले जोन है सारा। और ये था हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन जो हमारे मॉडल का कुछ इस तरीके का रहने वाला है लेआउट। बाकी आप बने रहिए, आगे हम और वीडियोज़ लेके आने वाले हैं गोल्फ हिल्स के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको लेआउट कंपनी का समझ आया होगा, जो मॉडल कंपनी ने बनाया है यही कंपनी का लेआउट रहने वाला है। और कोई भी आपकी इंक्वायरी है, आपको बुकिंग करवानी है, आपको कुछ पूछना है हमसे, आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को प्रॉपर्टी नॉनस्टॉप को। और जो वीडियो है आप अपना शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जो प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं आप अपने फ्रेंड का शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।